सर मेरा क्वेश्चन है, बेसिकली जितने भी हम पॉलिटिशियंस देखते हैं एमपी एमएलएस, या तो वो 95% ऑफ दोज पॉलिटिशियंस आर रिच, या फिर वो एक ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जिनके फैमिली में कोई पहले एक अच्छा पॉलिटिशियन रह चुका है जो फेमस था, लेकिन और उन लोगों के पास पैसा भी होता है वहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए। एक नॉर्मल बिजनेसमैन या एक मिडिल क्लास फैमिली से कोई लड़का अगर पॉलिटिक्स में जाना चाहता है तो उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो उतना समाज सेवा भी कर पाए कि वो फेमस हो जाए उतनी, तो वो उसके लिए क्या सजेशन है आपका? एक जैसे जाति को लेकर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, उसी तरह उससे भी बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि पॉलिटिशियन बनने के लिए आपको पैसा चाहिए। ऐसा इसलिए लगता है आपको, जैसा आपने ठीक कहा कि जिस नेता को भी आप देखते हैं वो पैसे वाला दिखता है, उसके पास गाड़ी है, ऑफिस है, घर है, बड़ा अमला है जो लोगों की सेवा कर रहा है। अभी 5 मिनट में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पॉलिटिक्स में नेता बनने के लिए आपको पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए, पहली बात कि अगर जीवन में आपके पास पैसा है तो कुछ भी करना रिलेटिवली आसान है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो पैसा रहेगा तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। लेकिन क्या पैसा नहीं रहने से आप पॉलिटिशियन बन सकते हैं कि नहीं? अगर वोट है, जन समर्थन है, तो नोट का जुगाड़ हो जाएगा। नोट से वोट का गारंटी नहीं है। मोदी जी हैं, बहुत बड़े पॉपुलर लीडर हैं, तो भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे रिच पार्टी है, क्योंकि बहुत पॉपुलर लीडर हैं तो भारतीय जनता पार्टी को डोनेशन ज़्यादा मिलता है। अंबानी जी हैं, मोदी जी से 100 गुना ज़्यादा पैसा होगा, वोट तो नहीं मिल सकता है मोदी जी इतना। अब आप जिसको भी नेता मानते हैं, हम आप नेता को क्यों गाली दे रहे हैं? हम लोग ये कहते हैं कि नेता बनने से पहले कुछ नहीं थे, नेता बनते के साथ देखिए कितना गाड़ी खरीद लिया, घर बना लिया, बड़ा आदमी हो गया। कहते हैं ना, इस लाइन को जाकर कागज पर लिखिए, आप क्या कह रहे हैं? नेता बनने के समय कुछ नहीं थे, नेता बनते के साथ बड़े हो गए। मतलब जिस दिन नेता बने थे उस दिन कुछ नहीं थे, पैसा नहीं था, नेता बनने के बाद प्रवृत्ति हो गई तो पैसे वाले हो गए।